नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे धान के अलग अलग किस्मों के बारे में, अलग अलग खेतों के बारे में और अलग अलग अवस्थाओं के बारे में, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों ने अलग अलग समय पर अपने खेतों की रोपाई करी है। और जब हम अलग अलग प्रकार के खेतों को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि किस समय पर कौन से रोग हमारे खेतों में आ सकते हैं, तो उसको नियंत्रित करने के लिए हम पहले से सतर्क हो सकते हैं और पहले से अलर्ट जब हम रहेंगे तभी हमारी फसल रोग रहित हो पाएगी। साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो, सभी खेतों के अलग अलग वीडियो क्लिप्स हैं, अलग अलग फ़ोटोज़ हैं। जो भी मैंने बहुत सारे खेतों को विज़िट किया है, देखा है, अलग अलग खेतों में अलग अलग प्रकार के रोग हैं और बहुत सारे किसान साथियों ने अलग अलग वीडियोज़ भेजे हैं। बहुत सारे किसान साथियों ने अपने फ़ोटोज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश करी है, दर्शाने की कोशिश करी है कि ये स्थिति उनके खेतों की चल रही है। तो हमें आज की वीडियो से ये पता लगेगा कि हमें किस अवस्था में सतर्क रहना चाहिए, रोग आने से पहले हमें कौन से ट्रीटमेंट करने चाहिए, रोग आने के बाद में हमें कौन कौन से ट्रीटमेंट करने चाहिए और किन किस्मों में किस प्रकार के रोगों का ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है, किस प्रकार की मिट्टी में किस प्रकार के खेतों में कौन से रोग आ सकते हैं और किन रोगों में कौन सी दवाओं का उपयोग करके हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैं आपको कई प्रकार के रोगों के बारे में बताऊँगा और कई प्रकार की अवस्थाओं के बारे में बताऊँगा। आप अपने खेत के अवस्था के अनुसार सही दवा का चुनाव करके अपने खेत में उपयोग करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। यहां पर आप देख रहे हो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग खेती है और यहां पर आप जैसे कि देख पा रहे हो कुछ पौधे बहुत ज्यादा स्वस्थ हैं और कुछ पौधे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। जैसा कि आप इस खेत में देख पा रहे हो, ये खेत कुछ ऐसे सिम्टम्स लिए हुए है कि यहाँ दूसरी डोज लग चुकी है, फुटाव कम है और फुटाव कम होने के साथ साथ पत्तियों में जलन दिखाई दे रही है। ये जो झुलसानुमा पौधे हैं, इन पौधों में आपके खेत में भी इस टाइप के लक्षण हो सकते हैं। तो जैसे खरपतवार की दवा का हम स्प्रे करते हैं तो फुहारा हमारी खरपतवार की दवा का चला जाता है पत्तियों पर, तो इस प्रकार के लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं। तो ये यहाँ पर किसी भी दवा का साइड इफ़ेक्ट है और इसे नियंत्रित करने के लिए हमारे पास में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक सबसे अच्छा विकल्प होता है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हमें 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है, उसके साथ में हमें कासुगामाइसिन 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करना है और हमें स्प्रे दे देना है। इससे हमारे खेत में लगने वाले किसी भी प्रकार के इस टाइप के सिम्टम्स को तुरंत ही कंट्रोल किया जा सकता है और पत्तियों में हरापन वापस आ जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये पौधे झुंडी नुमा हो रहे हैं, काफ़ी हद तक लग रहा है जैसे इनके पौधे की जड़ गल चुकी है। और झुंडी नुमा पौधों को बचाव करने के लिए जहाँ पर की मिट्टी थोड़ी सी ऊसर मिट्टी होती है, क्षारीय मिट्टी ज़्यादा होती है या पथरीली मिट्टी होती है, उस प्रकार की मिट्टी में इस टाइप के पौधे ज़्यादा होते हैं और हमारे पौधे की जड़ें गल चुकी होती हैं या फिर पौधे की जड़ों में एक कीट लगा होता है, जिसमें कि हमें गौर से देखना होता है कि अगर वो कीट ने काटा हुआ है तो हमें कीट का ट्रीटमेंट करना है। यदि हमारी जड़ें गल चुकी हैं तो हमें यहाँ पर जड़ गलन का ट्रीटमेंट करना होता है। तो यदि आपके पौधे की जड़ें गल चुकी हैं या कोई दाग धब्बा या स्पॉट दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में कासुगामाइसिन और वैलिडामाइसिन का उपयोग करना है, जो कि पौधे की जड़ों को बहुत जल्दी से ठीक कर सकता है और पौधे में लगी हुई ब्लाइट को नियंत्रित कर सकता है। दूसरा, यहाँ पर जो पौधे की जड़ें कट रही हैं, ये कुछ दीमक के आसार लग रहे हैं, पानी की कमी होने के कारण या मिट्टी ऊंची नीचे होने के कारण उथली जो जगह होती है वहां पर दीमक आ जाती है और दीमक हमारे पौधे की जड़ों को काट देती है। इस प्रकार के लक्षण दिखाई देने पर हमें यहां पर एक हैवी कीटनाशक की जरूरत पड़ेगी और इसमें आपको कोराजन लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तनाछेदक के सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं और पौधे में नीचे दीमक के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आपके खेत में किसी भी प्रकार के कीटनाशक की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर कोराजन का उपयोग करिए। लगभग 70 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस टाइप के खेतों में कोराजन की ज़रूरत होगी। तो ये खेत अभी लगभग 18 से 20 दिन की अवस्था में चल रहा है, तो जिन भी किसान साथियों के खेत इस टाइप के हैं वो कोराजन 70 ml प्रति एकड़ या 60 ml प्रति एकड़ के साथ में 250 ml यहाँ पर मिलाएंगे पिप्रोनिल। पिप्रोनिल क्यों ज़रूरी है? क्योंकि 15 से 20 दिन की अवस्था में बकानी कुछ पौधों में दिखाई देने लगती है और इस बकानी को नियंत्रित करने के लिए पिप्रोनिल कारगर होता है और इसके साथ में कोराजन यदि आप लगा देते हैं तो वो एक बहुत हैवी कीटनाशक है। पत्तियों का कलर भी बहुत जल्दी से हरापन में कन्वर्ट हो जाता है और पत्तियाँ आगे ग्रोथ अच्छी करती हैं। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप एक खेत देख पा रहे हैं, इस प्रकार के सिम्टम्स अगर आपके खेत में हैं तो दो फसलें, दो डोज यहाँ पर फसल में आप लगा चुके हैं और दो डोज लगाने के बाद में जो स्थिति है वो ये है कि फुटाव ठीक है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है जो कि खेत को भर सके।
पत्तियां ऊपर से जली हुई दिखाई दे रही हैं और लगभग 25 से 26 दिन वाली अवस्था चल रही है। तो इस टाइप की अवस्था में आपको यहाँ पर जिंक सल्फेट लेना है 1 किलोग्राम प्रति बीघा यानी कि 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। 33% में मोनोजिंक ले लें दानेदार में और दयाल का जिंक से ज़्यादा बेहतर साबित होगा। साथियों यहाँ पर 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट के साथ में आप मिक्स करेंगे ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और टोकीजाइम यदि आपको मिल जाता है तो 6 किलोग्राम टोकीजाइम भी इसके साथ में मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं। इससे आपको गजब के रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। 8 दिन के अंदर आपको दूसरी डोज का इंतजाम यहाँ पर करना है। यूरिया खाद आप यहाँ पर 30 से 35 किलोग्राम लगाएंगे और लगभग 30 से 35 किलोग्राम तीसरी डोज में आप यूरिया खाद लीजिए और उसके साथ में फेरस सल्फेट मिक्स करिए लगभग 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और फेरस सल्फेट के साथ चूना 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लीजिए, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। साथियों 2 डोज या 8 से 10 दिन के अंदर लगने के बाद में खेत में किसी भी प्रकार का पीलापन दिखाई नहीं देगा, किसी भी प्रकार की नोक पर जलन नहीं होगी और पत्तियां गोभी की स्वस्थ चल रही होंगी। बहुत सारे किसान साथी परेशान होते रहते हैं बेवजह, जबकि उनके खेत में अच्छे लक्षण दिखाई दे रहे होते हैं कि पौधा स्वस्थ चल रहा होता है। जो पुरानी पत्तियां हैं उनको ना देख के गोभी की पत्तियों को देखें। गोभी की पत्तियों का अगर कलर ठीक चल रहा है और आपके पौधे में जो गोभी की पत्तियाँ हैं उनमें क्लोरोफिल की मात्रा ठीक है तो आप अपने पौधे में थोड़ा सा समय दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। एक खेत यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि 15 से 18 दिन की अवस्था में लगभग होगा और यहाँ पर पहली डोज लगने के बाद में एक स्प्रे इन्होंने लगभग दे दिया होगा कीटनाशक का स्प्रे। और यदि कीटनाशक का स्प्रे इस टाइप के खेतों में लग चुका है तो कहीं कहीं हमें बकानी के पौधे यहाँ पर नियंत्रित दिखाई दे रहे हैं। इस टाइप के बकानी के पौधों को नियंत्रित करने के लिए आपको कीटनाशक के साथ में फिप्रोनिल मिक्स करना होगा। कीटनाशक यहाँ पर यदि कोराजन का आप स्प्रे कर रहे हैं तो उसके साथ में फिप्रोनिल बताई हुई मात्रा अनुसार आप ज़रूर मिक्स करके स्प्रे करें। इससे आपको बकानी में नियंत्रित होगा देखने को मिलेगा और उसके साथ में पौधे में भी ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, तना छेदक आपके खेत में जल्दी से नहीं आएगा। साथियों यहाँ पर कुछ खेत इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं जिनकी अवस्था लगभग 35 दिन की है और 35 दिन की अवस्था में पत्तियाँ ऊपर से जली हुई दिखाई दे रही हैं। तो यदि इस टाइप के लक्षण हैं तो आप यहाँ पर जिंक का उपयोग कर सकते हैं स्प्रे के माध्यम से। स्प्रे के माध्यम से 500 ग्राम जिंक आपके खेत के लिए काफ़ी रहेगा और यहाँ पर स्प्रे के माध्यम से जिंक देने के बाद पत्तियों की जो नोक जल रही है वो आपको बहुत तेज़ी से रिकवरी करती हुई नज़र आएगी। साथियों कुछ खेत इस टाइप के दिखाई दे रहे हैं जिनमें कि यहाँ आप देख सकते हैं कुछ खेतों में तना छेदक है, ऊपर गोभी की पत्तियाँ जल रही हैं सिकुड़ रही हैं और सिकुड़ी हुई जो पत्तियाँ हैं वो तना छेदक के सिम्टम्स को साफ दर्शाती हैं। कुछ पौधों में यहाँ पर बकांदी नज़र आ रही है और खेत की स्थिति लगभग 18 से 22 दिन की होगी। साथियों इस टाइप की अगर अवस्था आपके खेतों की भी चल रही है तो आपको यहाँ सतर्क होने की ज़रूरत है और दूसरी डोज यदि आप लगाने के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पर दूसरी डोज लगाने से पहले आप स्प्रे करिए। स्प्रे आपको क्या करना है, कोराजन लीजिए 60 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और इसके साथ में फिप्रोनिल मिक्स करिए 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से और मिक्स करने के बाद स्प्रे करिए। इससे आपके खेत में जो बकानी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये भी नियंत्रित होंगे और कीट जो भी लगा हुआ है वो भी बहुत तेज़ी से कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद में आप दूसरे और तीसरे खाद के साथ में जा सकते हैं। तीसरे खाद में आप यहाँ पर उपयोग करने के लिए क्योंकि फुटाव यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है तो आप सबसे पहले टोकीजाइम लीजिए 1 किलोग्राम प्रति बीघा के हिसाब से यानी 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। उसके साथ में आप यहां पर मिक्स कर सकते हैं फेरस सल्फेट यानी हरा कशिश 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यूरिया खाद आप 35 से 38 किलोग्राम या 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स कर लीजिए और इसके साथ में ह्यूमिक एसिड भी 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में स्प्रे कर दीजिए, आपके खेत में तुरंत यहाँ पर रिकवरी होगी और अच्छे लक्षण दिखाई देने लगेंगे। साथियों यहाँ पर तना छेदक है, तना छेदक की वजह से ही ये पत्तियाँ नीचे की तरफ मुरझा रही हैं और अपनी गोव की पत्तियाँ जो हैं वो सिमट रही हैं। तो जो भी किसान साथी यहाँ पर पानी भरे हुए खेतों से परेशान है यानी कि पानी उनके खेतों में ज़्यादा भर गया है वो यहाँ पर बुरकाव के माध्यम से कीटनाशक का उपयोग ज़रूर करें। वर्टाको आपके लिए बेहतर साबित होगा, इसमें आप नीला तोता 1200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके बुरकाव कर सकते हैं यूरिया खाद के साथ में। जिन भी किसान साथियों के पास में हैवी कीटनाशक लगाने के लिए यहाँ पर सक्षम नहीं है लगाने में तो नीला तोता आपके लिए 1 से 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सही रहेगा और यूरिया खाद के साथ मिला के आप बुरकाव कर सकते हैं। जिन भी किसान साथियों के खेतों में इस प्रकार के लक्षण हैं यानी कि पीलापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है और घना पीलापन होने के साथ में आपके पौधे की ग्रोथ ऊपर की तरफ नहीं हो रही है, उन किसान साथियों के लिए एक अच्छा सॉल्यूशन बताता हूँ।
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लीजिए 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यूरिया खाद 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए, उसके साथ में ह्यूमिक एसिड भी आप मिक्स कर सकते हैं लगभग 250 ग्राम से लेकर 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इन तीनों खादों को एक साथ मिक्स करके आप स्प्रे दे दीजिए। तो यदि आपके खेत में किसी भी प्रकार का पीलापन है और पौधे में नीचे की तरफ ग्रोथ नहीं हो पा रही है, यानी कि पौधे की ग्रोथ अच्छी ठीक नहीं हो रही है और झुंडीनुमा पौधा हो रहा है, उससे आपके खेत को तुरंत रिकवरी देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे सिम्टम्स आपके खेत में देखने को मिलेंगे मात्र 8 दिन के अंदर अंदर। साथियों, इस टाइप के खेत जिन भी किसान भाइयों के हैं, जिन खेतों की अवस्था लगभग 15 दिन की है, 15 से 18 दिन की, और उन किसान भाइयों ने दोबारा से रोपाई करी है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु के धान की कटाई करने के बाद में दूसरी फसल की रोपाई करी है, उन खेतों में कहीं कहीं बकानी के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, फुटाव थोड़ा कम है, और उन खेतों में फंगस के लक्षण ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर बुरकाव के माध्यम से कार्बेंडाजिम मैनको जैव ले सकते हैं 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर आप स्प्रे के माध्यम से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस कासुगामाइसिन का स्प्रे दे सकते हैं, और मात्रा आपको सेम रखनी है, यानी कि 250 ग्राम कॉपर प्लस 250 ml कासुगामाइसिन। इसके साथ में आपके खेत में काही की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो आप पानी को यहाँ पर 2 दिन के लिए तोड़ सकते हैं, पानी को लंबे समय तक ज़्यादा भरा ना रहने दें, क्योंकि काही ज़्यादा होने की वजह से पत्तियों पौधे की जड़ों पर तेज़ी से फंगस अटैक करती है। जिन भी किसान साथियों ने DAP की मात्रा ज़्यादा लगाई है, उन खेतों में काही की मात्रा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, इसलिए आप पानी को 2 दिन के लिए ज़रूर तोड़ दें। बहुत से किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हम पानी को कितने दिन तक भरा रहने दें, तो देखिए 10 से 12 दिन तक पानी को आप रखिए, लेकिन बीच बीच में पानी को तोड़ देंगे तो ज़्यादा बेहतर साबित होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, घनी काही होने की वजह से पौधे की जड़ों तक यहाँ पर धूप नहीं पहुँच पा रही है, इससे भी पौधे की जड़ें तेज़ी से गलती हैं और फंगस बहुत तेज़ी से अटैक करती है, जबकि दूसरी फसल हमने यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर आप फंगीसाइड एक पहले ही खाद के साथ में मिक्स करके ज़रूर बुरकाव करें। फंगीसाइड कौन सा, आप कार्बेंडाजिम मैनको जैव 250 ग्राम ले सकते हैं, कार्बेंडाजिम भी ले सकते हैं खाली 50% में, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम का बुरकाव भी आप कर सकते हैं, 250 ग्राम कॉपर का स्प्रे भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी अवस्था के अनुसार या अपनी परचेज पावर के हिसाब से यहाँ कोई भी फंगीसाइड सेलेक्ट करके स्प्रे या खाद के साथ में मिला के बुरकाव कर सकते हैं। साथियों, आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़े स्केल पर किसान साथी वीडियोस देखते हैं लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ज़रूरी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलना बहुत ज़रूरी होता है। साथियों, मिलते हैं फिर अगली